हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे चैप्टर 8 पॉलिटिकल साइंस ग्रेड 11 के डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हमने लास्ट चैप्टर 7 में देखा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पूरा सेक्शन ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है एंड उसी के अंदर एक पार्ट आता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे गवर्नेंस का, हमारे एक ओवरऑल कंट्री में एक सिस्टम का। सो उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे, इन जनरल पूरी बात करेंगे एंड थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे रिलेटेड टू सम पॉलिसीज इन द एंड। ओके, लेट्स क्विकली स्टार्ट द चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे हिसाब से, सभी सभी सिटीजन को, एक्चुअली नॉट जस्ट आर्ट स्टूडेंट्स को, ये मेरे हिसाब से हर सिटीजन को इस चीज का नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके पॉलिसीज एक्चुअल में वर्क करेगी जब उसकी अवेयरनेस ज्यादा होगी। एक हमारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, गवर्नमेंट कैसे वर्क करता है, उसके बारे में ये चैप्टर है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेट्स जस्ट डाइव इनटू द चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स इवोल्यूशन, मीनिंग एंड स्कोप, एज वेल एज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो ओवरऑल हम पूरी पहले बात करेंगे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, उस कैसे ये कंसेप्ट आया है, कैसे इसके अंदर हमने और एक पूरा सा एक इतना बड़ा एक पूरा डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया है, ये सब कैसे हुआ है, और इंडिया में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, वो हम फिर फोकस करेंगे। लेट अस बिगिन विद फ्यू क्वेश्चंस। व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाई इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नेसेसरी, व्हाट इज द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही जिसके आंसर सिंपल नहीं हो सकते, आंसर बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में इसका दिया जाता है, ये कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं है। तो उसके बारे में से हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स जस्ट स्टार्ट। डेवलपमेंट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टर्म, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म है डेवलपमेंट, एक सिंपल वे में उसको नहीं बताया जा सकता कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टर्म, नॉनदलेस इन सिंपल टर्म्स इट मींस ग्रोथ, चेंज, इंप्रूवमेंट और प्रोग्रेस। तो फिर भी वो कह रहा है कि है तो बड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म, लेकिन इसको फिर भी अगर एकदम सिंपल लेमैन्स टर्म में अगर आप पूछे कि डेवलपमेंट हम किसको कहेंगे, तो अगर ग्रोथ हो रही, अगर चेंजेस आ रहे हैं, अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, तो उसे हम डेवलपमेंट कहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम चेंज कहते हैं तो कोई चीज इंक्रीज डिक्रीज दोनों आ जाती, दोनों चेंज को रिफर करता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना है। ग्रोथ, ग्रोथ हो रही है यानी हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट हो रही है, राइट, प्रोग्रेस हो रहा है, तो हम अगेन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तभी डेवलपमेंट कहा जाएगा। When we are able to improve from one stage to the next stage, it is called development. This change and improvement is in all areas, including economic, social and cultural. तो हमेशा की तरह मैंने आपको ये मेरे ख्याल से 10th ग्रेड में, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, मैंने तभी कहा था आपको कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री वाले चैप्टर्स में आपको ये तीन साथ में ही मिलेंगे, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल चेंजेस, ये सारे आपको साथ में ही दिखेंगे हमेशा। तो सेम यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे आपको डेवलपमेंट हर एरिया में देखना है, इकोनॉमिक टर्म्स में देखना है, सोशली देखना है, कल्चरली देखना है। इट कंसर्न्स द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, हाउ दे कैन लिव अ बेटर लाइफ इन द प्रीवियस चैप्टर। तो अब ये कह रहे हैं कि ये कंसर्न है कि लोग, कॉमन लोग, हम जैसे आप जैसे कॉमन लोगों की लाइफ के अंदर क्या हम बेटर कर सकते हैं, वो चीजों को हम जब इम्प्लीमेंट कराते हैं, उसके तहत हम जब पॉलिसीज क्रिएट करते हैं, तब हम कहेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच प्राइमरीली इज कंसर्न्ड विद गवर्नमेंट इन एक्शन। तो हमने बहुत क्लियरली, लास्ट चैप्टर बहुत ही, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, हमने बहुत क्लियरली देखा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और गवर्नमेंट इन एक्शन, उसमें की वर्ड यही था, गवर्नमेंट इन एक्शन, पॉलिसीज बनाना और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना। तो गवर्नमेंट इन एक्शन वाली बात हमने देखी थी। इट फोकसेस ऑन स्टडिंग द एक्टिविटीज ऑफ द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। हमने ये भी देखा था कि ये तीनों लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियली ब्रांचेस जो हमारे अलग अलग हैं, इसके सारी एक्टिविटीज के ऊपर वो ध्यान रखता है। व्हेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडीज गवर्नमेंट इन एक्शन फॉर ग्रोथ और डेवलपमेंट, इट बिकम्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब बड़े ही प्यारे वर्ड में उन्होंने देखो कैसे स्विच कर दिया, जब यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हमारे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियली ब्रांचेस की एक्टिविटीज को देखता है, वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब गवर्नमेंट के काम को देखता है, कौन से काम को,
वो काम जिसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। सो ये लाइन मैं फिर से पढ़ूंगा, व्हेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडीज गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को स्टडी कर रहा है, स्टडीज गवर्नमेंट इन एक्शन फॉर, क्यों स्टडी कर रहा है, क्या जानना है उसको, कि क्या जानना है गवर्नमेंट से उसको, कि कितना ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है पापा, ये चीज की जब हम स्टडी करते हैं गवर्नमेंट के लिए, तो हम बोलेंगे कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। इवोल्यूशन एंड मीनिंग, यू मे हैव रेड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। Our welfare state is when the state plays a key role in the promotion of economic, social well-being of its citizens. तो बहुत ही सिंपल, ये बहुत ही पुराना टर्म है, हमने स्कूल टाइम से पढ़ा है। वेलफेयर स्टेट क्या होता है? तो वेलफेयर स्टेट इज अ समथिंग, जब हम हमारा स्टेट हमारे लोगों के, citizens, common citizens के welfare के बारे में जब चीजें प्रमोट करता है, उसे हम वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट कहते हैं। Such a state usually takes care of the basic needs of its citizens, like food, shelter, clothing, education, and health. तो ये बहुत ही basic चीज है हमारे लिए, इस चीज की देखरेख करना कि एक citizen को food मिल रहा है, shelter मिल रहा है, clothing मिल रही है, education facilities मिल रही है, ये सारी चीजें बहुत ही basic है जो कि एक state करता है हमारे लिए। The concept of welfare state dominated the idea of development during the early part of the 20th century. तो अब हम सोचेंगे कि ये सब क्यों बात कर रहे हैं, हमको क्यों बता रहे हैं बाबा वेलफेयर स्टेट क्या होता है, क्योंकि ये आइडिया, वेलफेयर स्टेट का आइडिया हमारे अंदर था 20th सेंचुरी के टाइम पे, कि डेवलपमेंट मींस व्हाट, वेलफेयर स्टेट, डेवलपमेंट मतलब क्या होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, ये लोगों के दिमाग में आइडिया था। This had an impact on the traditional concept of public administration. अब इससे पहले हमारा एक traditional concept था public administration का, जिसको affect हुआ था। अब ये दोनों क्या है वो हम देखेंगे, traditional concept क्या था और अभी हम जो concept use कर रहे हैं वो हम दोनों discuss अभी हम करेंगे। तो पहले understand, हम history से आ रहे कि 20th century में एक development का concept क्या था, welfare state, और ये चैलेंज कर रहा था हमारे ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। इट नाउ फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग चेंज थ्रू यूनिफाइड, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रॉपरली डायरेक्टेड गवर्नमेंटल एक्शन एंड नॉट मियरली परफॉर्मेंस ऑफ रूटीन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इतना पैसेज मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये कह रहा है, और ये वर्ड्स यूज करना है, यूनिफाइड, ये कह रहा है कि हमें एक साथ सबके लिए, यूनिफाइड सबके लिए सेम, ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉपरली एक एक सबके लिए एक जैसे डायरेक्टेड एक्शंस चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, सिर्फ फंक्शंस और रूटीन परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट नहीं चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज की बात हो रही है, इसीलिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट डेवलप हो रहा था। इन द पीरियड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेवरल कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका बिकेम इंडिपेंडेंट। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज को फ्रीडम, इंडिपेंडेंस मिला था, हमारे इंडिया को भी आफ्टर दैट ही फ्रीडम मिला था 1947। तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिर इंडोनेशिया, बहुत सारे और कंट्रीज थे जिनको ब्रिटिश राज से और दूसरे फ्रेंच राज से आजादी मिली थी। तो ओवरऑल उस वे में हम अब सोचेंगे और उस वे में अभी फिलहाल बात करेंगे। नेशन बिल्डिंग वॉज वन ऑफ द ग्रेट कंसर्न बिफोर सच न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज। तो सिंस हमें नया नया इंडिपेंडेंस मिला था, नई नई आजादी मिली थी, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न था कि अब नेशन डेवलपमेंट, नेशन बिल्डिंग कैसे करेंगे, कैसे हम ये पूरा कंट्री को डेवलप करेंगे, कैसे इसको हम देखरेख करेंगे। They did not want the governments to do only routine administrative work. These countries were keen to initiate the process of development. These countries had complex heterogeneous societies and their economies were struggling. तो ये overall सारी countries की बात चल रही है, not just India. तो जितने भी वो सारे new nations form हुए थे जिनको independence मिला था, उनके सारे सबके अंदर heterogeneous societies थी, यानी कि mixed societies थी, कास्ट वाइज बोलो या रिलीजन वाइज बोलो, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग इकोनॉमिक स्ट्रगल से सबके, कहीं पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, ये अलग अलग इकोनॉमिक स्ट्रगल से सबके अलग अलग, और पूरे सबका यही की फैक्टर था कि उनको गवर्नमेंट का सिर्फ रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वाला नहीं चाहिए, गवर्नमेंट क्या एक्शन में कर रही है डेवलपमेंट ऑफ नेशन के लिए, वो चीज उनको चाहिए, वो चीज उनको लानी है गवर्नमेंट के अंदर। तो ये यहां पे बात चल रही है। द वेरियस एड प्रोग्राम्स दैट वेर प्रोवाइडेड बाय डेवलप्ड वर्ल्ड डिड नॉट हेल्प दीज कंट्रीज टू डेवलप। अब जो डेवलप वर्ल्ड था, यानी कि ब्रिटेन एम्पायर जो हो गया, जो लोगों पे कब्जा करके
कॉलोनीज बना के रह रहा था। तो डेवलप, वो लोग डेवलप्ड थे, हम लोग अंडर डेवलप्ड थे तभी। तो मैं बोलूंगा कि यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब तभी डेवलप्ड वर्ल्ड कहलाते थे। इन्होंने हमें जो रास्ते दिए, इन्होंने हमें जो सॉल्यूशंस दिए, वो हमारे लिए वर्क नहीं कर रहे थे, वो हमारे लिए काम नहीं आ रहे थे। इट वॉज नेसेसरी फॉर दीज कंट्रीज टू अडॉप्ट न्यू अप्रोचेस टू फेस द चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी, हंगर एंड पोवर्टी एटसेट्रा। तो हमारे लिए, हमें एक नए अप्रोच की जरूरत थी, हम सभी को एक नए अप्रोच की जरूरत थी। हमारे इंडिविजुअल इकोनॉमिक सोशल इनइक्वालिटीज और हंगर पोवर्टी, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हमारे, उससे जूझने के लिए। दिस रियलाइजेशन लेड टू द इमरजेंसी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी के तहत हमने, हमारे दिमाग में आया कि हमें एक जरूरत है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, हमें एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है जो सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस्ड है, जो सिर्फ डेवलप करने के पीछे वो लगा पड़ा है। द गवर्नमेंट इन दीज कंट्रीज वॉज टू बिकम एन एजेंट ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट। और गवर्नमेंट ये काम कराएगी, और इसीलिए गवर्नमेंट विल बिकम द एजेंट, वो काम, वो पर्सन जो वो ये चेंज करके लाएगा, वो जो डेवलप हमें करके देगा। सो एजेंट ऑफ चेंज कौन है? गवर्नमेंट। द सोशियो पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस इन दिस इमर्जिंग स्टेट्स नेसेसिटेट रीडिफाइनिंग एंड रीओरिएंटेशन ऑफ द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट वॉज कंसीव्ड फ्रॉम होलिस्टिक परस्पेक्टिव, फोकसिंग ऑन नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो ऑन सोशल चेंज, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड कल्चरल प्रोग्रेस। सो अगेन एंड अगेन मैंने आपको अभी बताया था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ये वर्ड्स साथ में ही हमेशा ग्रुप होंगे और उसी को लेकर हमेशा हमारी बात होगी। तो अब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो हालात थे, सर्कमस्टेंसेस थे, जिसके वजह से हमें डेवलपमेंट का एक जो पर्सपेक्टिव था वो चेंज करना पड़ा। हमारा जो डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव था वो एक बहुत ही होलिस्टिक, होलिस्टिक का मतलब होता है जिसमें हम सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं, हम सिर्फ किसी एक एक चीज पर फोकस नहीं करते, हम बहुत सारी चीजों को मिलाकर ओवरऑल पर्सपेक्टिव रखते हैं, उसे होलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है। तो हमें एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव की जरूरत थी, जो सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं, वो इकोनॉमिक भी करेगा, सोशल चेंज भी लाएगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी करेगा, कल्चरल प्रोग्रेस पे भी ध्यान देगा, ये सभी चीजों को दिमाग में लेकर डेवलपमेंट करेगा। तो हमें एक ऐसे डेवलपमेंट स्ट्रक्चर की जरूरत। अकॉर्डिंगली, उसी तरह से अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट टुक ऑन सेवरल इंपॉर्टेंट टास्क इन दिस कंट्री, सच एज सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। उन्होंने सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट किया, द प्रिपेरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स, द प्रमोशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द सिटीजन थ्रू द प्रोविजन ऑफ सोशल सर्विसेज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड अदर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो एक ये अगेन पूरा पैराग्राफ हो गया जो उन्होंने, गवर्नमेंट ने जो इनिशियली स्टार्ट किया ये सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ये सारे डायरेक्शन में अलग अलग चीजें, पॉलिसीज, प्रोजेक्ट्स और ये सारी चीजें उन्होंने, प्रोग्राम्स चालू किए। गवर्नमेंट्स इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशन फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट बाय मीन्स ऑफ प्लान्ड चेंज एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो पहले तो प्लानिंग होनी चाहिए पूरी, ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि पॉजिटिव और कितना इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग, प्लान होना चाहिए, चेंज क्या लाना है, प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर। और सबसे इंपॉर्टेंट, पीपल पार्टिसिपेशन, अगर लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उसके अंदर तो पॉसिबल नहीं है चेंज लाना, राइट? दस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एरिया ऑफ स्टडी एंड एज अ मीन्स टू रियलाइज डेवलपमेंटल गोल्स अज्यूम्ड इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। और इसी के साथ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये एरिया हमने डेवलप, एक नया चीज हमने, जो कंसेप्ट, जो नया कंसेप्ट जो हमने लाया, वो बहुत ही ज्यादा और पॉपुलर और स्ट्रांग हो गया। डेफिनेशंस नाउ, कुछ एजुकेटर्स और कुछ लोग जो इम्पोर्टेंट यू नो पॉलिटिशियंस एंड इकोनॉमिक्स एजुकेटर्स रहे, उनके कुछ टिपिकल डेफिनेशंस हैं, ये दोनों आप याद रखिएगा, वर्ड टू वर्ड कोटेशन वाइज याद रखना, आपको आंसर में लिखने काम आएगा। सो एडवर्ड विडनर, एन एजुकेटर, ये अमेरिकन एजुकेटर थे, इन्होंने डिफाइन किया द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, सोशल ऑब्जेक्टिव्स दैट आर ऑथोरिटेटिवली डिटरमाइंड इन वन मैनर और दी अदर। तो अब कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन का को गाइडेंस मिल रही है प्रॉपर, और वो किस तरफ होना चाहिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक, पॉलिटिक
प्रोग्रेसिव वे में होनी चाहिए, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स मीट होने चाहिए, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो मीट होने चाहिए, और इसमें अथॉरिटी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वो कह रहा है कि देर हैज टू बी एन अथॉरिटेटिव पर्सन वहां पर, एक जो कमांड ले रहा है पूरा उस चीज को और वो उस चीज को लीड लीड करता है। मेरिल फेयरसोल ने डिफाइन किया, डिफाइन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज अ कैरियर ऑफ इनोवेटिंग वैल्यूज, इट एम्ब्रेसेस द वे ऑफ द न्यू फंक्शंस अज्यूम्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये इन्होंने उस टाइम पे बहुत ही जनरल वे में बोला कि ये एक वो रास्ता है, ये एक वो चीज है जो जो न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज जो अभी डेवलपिंग के कतार में जा रही है, उस डायरेक्शन में जा रही, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, आई मीन टू से न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज डेवलपिंग के कतार में जो जा रही है उनके लिए विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन ये साथ में लेकर जाने का एक रास्ता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। द ट्रेडिशनल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन बाउंड बाय रूल्स एंड हायरार्की। तो अब हम धीरे धीरे बात करेंगे कि जो ऊपर इन्होंने मेंशन किया था कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो आइडिया था उसने ट्रेडिशनल अप्रोच को चैलेंज किया था, तो वो क्या है वो हम अब पहले देखें। व्हाइल दिस अप्रोच इज नॉट रॉन्ग, समटाइम्स इट क्रिएट्स डिलेज एंड ऑब्स्टेकल्स दैट आर जनरली कॉल्ड रेड टेप। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। ट्रेडिशनल अप्रोच जो था कि एक पर्सन को, लेट्स से कोई कंप्लेन है, आपने कंप्लेन डिपार्टमेंट में बताया, वो आपको बोलता है कि 7 डेज तक आपको हम रिप्लाई करेंगे। अब ये पर्सन आपका आगे जाके आपकी कंप्लेन आगे पहुंचा रहा है, उसका फॉलो अप लेने के लिए फिर से मेन टेक्निकल पर्सन आ रहा है, ये जो एक प्रोसेस हो रहा है एक दूसरे को कांटेक्ट करे, और फिर आपको 7 डेज बाद पता पड़ रहा है कि अभी तक प्रोसेस चल रहा है या कोई बात अटकी हुई है या कहीं पे कम्युनिकेशन लैक है, ये जो एक प्रोसेस, ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच था जिसको जिसके वजह से हमारा काम डिले हो जाता। तो काम जो डिले हो जाता है उसे रेड टेप कहा जाता है, ये एक टर्म जो यहाँ पे इन्होंने बताया, रेड टेप। तो ये जो जब कोई हमारा जो प्रोसेस था जो कि बहुत सिंपल हो सकता था, उसके अंदर हमारे डिलेज हो गया, ऑब्स्टेकल्स आ गए, रुकावटें आ गई और वो काम और लंबा खींच गया, तो उसको हम रेड टेप कहते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफिशियल मैसेज हायरार्की फॉलो करने के चक्कर में वन पर्सन टू अनदर टू द अदर टू द अथॉरिटी, ये हायरार्की फॉलो करने के चक्कर में, रूल्स फॉलो करने के चक्कर में हमारा काम डिले हो गया। तो उसकी यहाँ पे बात चल रही है कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच जो है, जो रूल्स और हायरार्की से बना हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है जिसे हम रेड टेप कहते हैं। दिस अप्रोच दैट इज चेंज, इट इज नेसेसरी टू हैव इनोवेशन इन प्लानिंग टू क्रिएट अ बेटर सोसाइटी। और हम जब बेटर सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो उसकी उसके प्लानिंग में इनोवेशन की जरूरत है, हमें क्विक फास्ट क्विकली हमें चीजें चाहिए, राइट, वो हमें चाहिए। दिस अप्रोच दैट इज चेंज एंड ग्रोथ ओरिएंटेड इज कॉल्ड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये ओवरऑल इन्होंने पूरा जो इतना पूरा पैराग्राफ बताया वो ओवरऑल अब ये कह रहे हैं कि ये जो अप्रोच है जिसके अंदर हम चेंज ग्रोथ ओरिएंटेड की बात करते हैं उसको हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हैज ब्रॉट इन, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रेडिशनली द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड कवर द फॉलोइंग मेन एरियाज। सो अब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या चेंज लाया, उसके पहले हमें ओल्ड सिस्टम पता होना चाहिए जिसके हम कब से बात कर रहे हैं कि पुराना सिस्टम सही नहीं, पुराना सिस्टम सही नहीं, पुराना अप्रोच सही नहीं था, तो वो क्या है वो हम पहले देखें। तो दैट इज ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो उसके अंदर क्या क्या चीज आती है, लेट्स स्टडी दैट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंटल मशीनरी, दिस वुड इंक्लूड द स्ट्रक्चर, वेरियस डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज एंड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल्स, द स्ट्रक्चर ऑफ द मिनिस्ट्री दैट इंक्लूड्स द सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिशियल्स, वेरियस बोर्ड्स एंड कमीशंस लाइक द यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन एटसेट्रा। सो जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आता है, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, उसी का हम थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे अगेन देख रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती थी। तो गवर्नमेंट मशीनरी का पूरा स्ट्रक्चर आता था उसके अंदर, उसके सेक्रेटरी से लेकर उनके ऑफिशियल से लेके सब कुछ, सबका सिलेक्शन बोर्ड, कमीशन बोर्ड, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, राइट। फिर मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट टास्क, अब इसके अंदर कौन क्या चीज करेगा, मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट टास्क, किसको क्या काम दिया जाएगा, कौन सी मिनिस्ट्री किसको दी जाएगी, उसके अंदर कौन सा पर्सन क्या काम करेगा, आईएएस ऑफिसर क्या हैंडल करेगा, आईपीएस ऑफिसर क्या हैंडल करेगा, उनके अंडर लोग क्या चीज करेंगे। सो ये मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट टास्क, द फोकस इज ऑन द लीडरशिप
प्लानिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में ये फंक्शन का पूरा देखरेख रखना, प्लानिंग करना और लीड, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लीडरशिप कौन करेगा ये सारी चीज यहाँ पे अंदर आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है नीति आयोग का, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी एक न्यू पॉलिसी है जो 2015-2014 में आफ्टर मोदी गवर्नमेंट उन्होंने स्टार्ट की थी, जिसने रिप्लेस किया था 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम को। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे डिटेल में, इसलिए हम फिलहाल आगे बढ़ेंगे। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, दिस रिफर्स टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, द ट्रेनिंग एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज। नाउ इन लोगों को जो हमने ऊपर बात की यूपीएससी कमीशन वगैरह, कमीशन तो ये डिपार्टमेंट तो बन गया, उनके अंदर जो लोग है आईपीएस ऑफिसर्स और ये सब, उनको रिक्रूट करने का प्रोसेस, तो ये भी आ जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा। सो एग्जाम्पल हाउ रिक्रूटमेंट इज डन इन इंडिया थ्रू यूपीएससी स्टेट सर्विस कमीशन। ये सारी चीज जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, द ट्रेनिंग फैसिलिटीज इश्यूज डीलिंग विद प्रमोशन सैलरी पेंशन, ये सब कुछ आ जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। साथ ही साथ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, द फोकस हियर इज ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द बजट, फाइनेंशियल कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑडिट। एग्जाम्पल हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल द एक्सपेंडिचर, कमिटीज लाइक द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी एक्सेट्रा। अब पूरा फाइनेंशियल, एक कंट्री का फाइनेंशियल बजट पूरा डिसाइड करना, कौन से डिपार्टमेंट में कितना पैसा जाएगा। अगर आपको पता होगा पिछले दो साल या 3 साल से, मेरे ख्याल से नॉट साल से, 2 टाइम्स टर्म से बजट डिजिटली बताया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी है वो डिजिटली प्रेजेंट करती है बजट। पहले फाइल होती थी, प्रॉपर बुक, एक फाइल होती थी, नॉट बुक, फाइल होती थी, लेकिन अब डिजिटली हम बजट को पार्लियामेंट में रखते हैं सबके सामने। तो ये पूरा एक कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन करना भी काम किसका है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ द लॉज पास बाय द पार्लियामेंट रूल्स आर फ्रेम्ड, देर आर ऑल्सो ट्रिब्यूनल्स फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। तो ये काम भी पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है कि पार्लियामेंट ने जो रूल्स पूरे जो लॉज पास किए वो सारा फॉलो होना चाहिए, और अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है उसके लिए भी इन्होंने बना के रखा है, जिसे हम ट्रिब्यूनल्स कहते हैं, जहां पर आप कंप्लेन्स कर सकते हो कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है रिगार्डिंग समथिंग, तो वहां पे आप कंप्लेन कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे कोई भी, इनफैक्ट कोई आजकल प्राइवेट ऑफिस में भी जाओगे, तो आपको ऑलमोस्ट वहां पे दिखेगा कस्टमर केयर कंप्लेन्स के लिए अलग से आप ग्रीवियंस सेल होता है उनका, कि आपको कोई परेशानी है किसी रिलेटेड तो इस नंबर पे अलग से कॉल करें। तो वैसे ही ट्रिब्यूनल्स आर समथिंग जो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ट्रिब्यूनल्स लाइक द इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल। तो ये आपके इनकम टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अगर आपको कुछ जानना है तो आप यहाँ पर कंप्लेन करें या वहां पर कॉल करें। द अबाव मेंशन ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस आर इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो एकदम सिंपल जो ऊपर 5 फंक्शन इन्होंने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी डेवलपिंग कंट्री। हाउएवर द डेवलपिंग कंट्रीज हैव सम यूनिक प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन हमारी जो कंट्री है डेवलपिंग कंट्री, उसकी कुछ यूनिक प्रॉब्लम है। दे आर पोस्ट कोलोनियल कंट्रीज, ये सारी की सारी हम लोग जो है पोस्ट कोलोनियल कंट्रीज है, मतलब हमारे पे लोगों ने रूल करके हमारे यहाँ पे कॉलोनीज फॉर्म की थी और हमारे पे कॉलोनिज्म का रूल चल रहा था, और वो लोग हमसे हमारी सारे रिसोर्स सब कुछ लेकर, सब कुछ हमारा लूट कर चले गए, और वैसी कंट्रीज है हम। तो पोस्ट कोलोनियल कंट्रीज कही जाती है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बहुत आप रिसर्च करेंगे कौन सी कंट्रीज पे रूल था, तो आपको बहुत सारी कंट्रीज मिल जाएगी। सो हम सारे पोस्ट कोलोनियल कंट्रीज कहलाते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स अलग है। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट देयर ओन इंडिपेंडेंट अप्रोच टू डेवलपमेंट, हम सोच रहे हैं कि कैसे अपना एक इंडिपेंडेंट अप्रोच लाए डेवलपमेंट करने के लिए, दूसरों पर नहीं डिपेंड होना है, खुद से करना। Such an approach is based on aspects of economic and social justice and political modernization. और ये approach एक वैसा approach होना चाहिए जो economic, social, political, ये सारे क्षेत्रों में सही हो। It also requires the adaptation of new technologies. साथ ही साथ हमें नए technologies को adapt करते जाना है। Therefore, it is necessary to make changes in the traditional approach to the public administration. और इसीलिए there is a need कि जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, उसमें चेंजेस आनी चाहिए। दिस टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज फोकस्ड मोर ऑन सेटिंग डेवलपमेंट गोल्स एंड अचीविंग देम
थ्रू द मीडियम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां पर हमारा मेन मुद्दा होगा एक अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करना जिसका काम ही है डेवलपमेंट के बारे में सोचना और उसको हम पूरा कंट्रोल करेंगे। तो दैट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? ये एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट का काम करता है। इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी हैज ऑल्सो अंडरगॉन सम चेंजेस। द फोकस इज ऑन इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट। द फ्रेमवर्क यूज फॉर दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमारे अभी इन्होंने पहले ओवरऑल ओवरऑल बात की थी, तो अब वो बता रहे कि इंडिया में हमने इसीलिए स्टार्ट किया डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो कि फोकस्ड है ऑन डेवलपमेंट। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है? डेवलपमेंट का। ये डिपार्टमेंट का काम क्या है? डेवलपमेंट का। ये डिपार्टमेंट किस बारे में सोचता है? डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। किसके डेवलपमेंट? नेशन के डेवलपमेंट के बारे में, हर एक सिटीजन के डेवलपमेंट के बारे में। किस क्षेत्रों में? सारे क्षेत्रों में, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, हर क्षेत्र के दिमाग में रखते हुए वो डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। सो दैट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब जाके एक्चुअल में हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब तक हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है वही समझ रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फोकसेस ऑन द सोशियो पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगेन वही बात को फिर से नए टर्म्स को मिक्सअप करके बना के हमें बता रहे। इट्स स्ट्रेस इज ऑन द प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज दैट आर एम्ड एट सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेवलपमेंट। जो कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि इस डिपार्टमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्या? डेवलपमेंट करना। तो इसके सारे प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट, पॉलिसी, जो भी वो करेगा उसका एक ही एम है, डेवलपमेंट कैसे लाए। ओके, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हैज मेनली टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, द फर्स्ट टास्क इज ऑफ सेटिंग गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, द सेकेंड इज टू ट्राई टू अचीव दैम। तो ये बहुत ही देखो इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ वो लोग खेल रहे हैं कि दो इसके एस्पेक्ट्स है, दो इसका मेन इसका स्टेप्स है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उसको ध्यान रखना, और डेवलपमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ उस एडमिनिस्ट्रेशन उसको भी, उस डिपार्टमेंट को भी डेवलप करते जाना, बड़ा करते जाना, नई नई पॉलिसीज लाना, नया न्यू एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट करते जाना, नई नई प्रोग्राम्स लाते जाना जिससे एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप होते जा रहा है। और ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो डेवलप हो रही है वो सब लोग क्या काम कर रही है? डेवलपमेंट का काम कर रही है। तो उस पर भी ध्यान रखना। तो उसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट। ध्यान रखो कि डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। तो दो चीजें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, द फर्स्ट टास्क इज सेटिंग गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। हमने गोल सेट किया और फिर उसको फॉलो अप लेना कि भाई क्या हुआ, हमने ये प्लान किया था, हुआ कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, पता लगाओ, चलो चेंज करो, अच्छा ये फॉल्ट है, ठीक है इसको चेंज करो, हमें ये करना, हमें लाना ही है डेवलपमेंट। सो ये चीज करना, इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट। सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो मैंने कहा कि ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट हमने अभी क्रिएट किया है, द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू बी इम्प्रूव। इसको भी खुद को इम्प्रूवमेंट करते जाना, राइट, इम्प्रूव सो एज टू बी एबल टू अचीव द गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, ताकि आगे के गोल्स ऑफ डेवलपमेंट हम अचीव करते रहे। अब हम एक्चुअल में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअल में खुद वो उसके क्या फीचर्स है वगैरह हम देखेंगे। So consider this as the second part of the chapter currently. मेरा suggestion ये रहेगा कि if you are new to my channel, please videos को हमेशा एक एक, जैसे जैसे मैं एक topic खत्म करता हूँ, एक एक page खत्म करता हूँ, pause करे, break ले, read करे, उतना खुद से read करना बहुत जरूरी है। Textbook reading बहुत important है, you need to understand this. यहाँ पे मैं reading कर रहा हूँ, मैं आपको explain कर रहा हूँ, आपको खुद read करके खुद समझना, at least 3 times reading होनी चाहिए आपकी, okay? तो जब मैं आपको समझा देता हूँ, आपका खुद से रीडिंग होनी चाहिए। तो टेक अ पॉज, वीडियो बंद करो, टेक अ ब्रेक, गो टू यू नो वॉशरूम, ड्रिंक वाटर, रीड दैट पर्टिकुलर पार्ट, उतना जो हमने पढ़ लिया उसको रीड करो, नोट्स अंडरलाइन कर लो, कुछ चीजें मार्क कर लो, एंड फिर कंटिन्यू करो। इस तरह से अगर आप, अगर मेरे वीडियोज देखेंगे, कोई भी वीडियोज देखेंगे मेरे, तो आपको एक ही बार में पूरा सब कुछ दिमाग में घुस जाए, आपको फिर वापस से फिर सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रिमेंबर, 3 times पूरी, कोई भी चैप्टर 3 times पूरा रीड होना चाहिए थोरोली, ओके, वन बिफोर द वीडियो स्टार्ट्स, वन बिटवीन द वीडियोस, एंड वन आफ्टर एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। दैट इज लाइक 3 times नीड। ओके, लेट्स कंटिन्यू अहेड।
डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, द मेन फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आर एज फॉलोज, चेंज ओरिएंटेड। तो हमारा पूरा मुद्दा ही है चेंज, तो इसका पूरा दिमाग में होता है चेंज ओरिएंटेड, चेंज लाना, चेंज लाना, चेंज लाना, पॉजिटिव प्रोग्रेसिव चेंज लाना, राइट। द ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज एसेंशियली प्रो स्टेबिलिटी एंड प्रिफर्स द स्टेटस क्वो। सो अब यहां पर ये थोड़ा सा समझते हैं, स्टेटस क्वो क्या होता है। स्टेटस क्वो यानी कि जो भी करंट सिचुएशन है वैसी की वैसी रहने दो, चेंजेस नहीं होना चाहिए, इसको कहा जाता है स्टेटस क्वो। तो प्रिफर्स द स्टेटस क्वो यानी कि यहाँ पे जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्या पसंद है, किस तरह का स्टेटस क्वो पसंद है, किस तरह का स्टेटस रखना पसंद है, उसको प्रो स्टेबिलिटी यानी कि अभी जैसा चल रहा है हालात वो रहने दो, हम बाद में देखेंगे टाइप्स ऑफ। ओके, सो ये उसका अप्रोच रहा है ट्रेडिशनल वाले का, जो हमें चेंज करना है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सीक्स टू ब्रिंग अबाउट चेंज एंड ट्राइज टू रीओरियंट टूवर्ड्स द डेवलपमेंटल गोल। तो और हमारे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, वो पहले तो चेंज लाता है, जो नहीं ये सिस्टम है ना, नहीं ये रॉन्ग लग रहा है, अब तक नहीं चला, ये रॉन्ग लग रहा है, इसको चेंज करते, चेंज करो, चेंज करके ये भी देखो कि अब चेंज करने के बाद क्या ये गोल पूरा कर रहा है, नहीं कर रहा है तो फिर से रीओरियंट, रीओरियंट टूवर्ड्स डेवलपमेंटल गोल्स, यानी कैसे भी करके बस गोल की तरफ जाना, एक रास्ता बंद हुआ तो रुक मत जाओ, चेंज करो डायरेक्शन, फिर जाओ, फिर रुक गए, फिर आगे 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 बढ़ो, मतलब एकदम ही आपको बार 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 पॉलिसी में ध्यान देते हुए कंटिन्यूसली चेंज होते हुए डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है बस। इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड व्हेन वेरियस नेशंस बिकेम इंडिपेंडेंट इन एशिया एंड अफ्रीका, द बिगेस्ट टास्क बिफोर देयर गवर्नमेंट वाज टू प्रमोट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अब अगेन ये हम फिर से वही बात बता रहे कि पोस्ट जब इंडिपेंडेंस आ रहा, पोस्ट वॉर के बाद सबको, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे देशों को इंडिपेंडेंस आजादी मिली थी, और उनके सामने डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि क्या कैसे करेंगे। दे डिजायर्ड प्रोग्रेस इन ऑल स्पीयर्स, तो ऑल स्पीयर्स यानी अगेन कौन से, आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल कल्चरल, ये सारे तीनों चारों याद रखो। फॉर दिस टू मटेरियलाइज द गवर्नमेंट हैड टू फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मेशन इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, और इसके लिए गवर्नमेंट को इस चीजों का ध्यान रखना। ये हम अगेन पूरा एक समझ लो रिकैप कर रहे हैं, और पूरा रिकैप हमने एक पैराग्राफ में किया। इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया फाइटिंग पॉवर्टी हंगर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस वाज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द गवर्नमेंट। तो ये हमारे इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अब इंडिया की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉवर्टी हंगर और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हमारे लिए सबसे बड़े चैलेंज। Hence, the government did not only focus on traditional sector of economy, that was the agriculture, जो हमारा इकोनॉमिक सेक्टर ट्रेडिशनली किसके ऊपर डिपेंड था, एग्रीकल्चर, प्राइमरी हम एग्रीकल्चर करते थे, बट डिलिबरेटली चूज टू डेवलप इंडस्ट्रीज, डैम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स विद पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट। तो सिर्फ हमने एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं किया, हमने साथ ही साथ हमने दूसरी टेक्नोलॉजीज पे भी फोकस किया, हमने डैम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए, हमने इंडस्ट्रीज डेवलप की, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ पे आया। सो ये चीज हमने चेंज लाई, ये हमारा अप्रोच चेंज हो गया, वरना अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस करते तो हमारा नहीं होता, राइट। सो दैट इज द ओवरऑल चेंज इन द अप्रोच। दिस प्रोजेक्ट्स वेर रेफर्ड टू एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रोजेक्ट्स को, ये सब डैम, इंडस्ट्रीज, ये सारे प्रोजेक्ट्स को मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स कहा। यहाँ पे कुछ फोटोज है, भाखरा नंगल डैम के, भिलाई स्टील प्लांट के, BSP। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारे डेवलपमेंट का, आउटपुट ओरिएंटेड। तो चेंज तो लाना ही, लेकिन आउटपुट अगर नहीं आ रहा है तो तुम फिर से चेंज कर दो, मतलब अपनी पॉलिसी में रीचेंज लाओ, रीओरियंट करो, राइट। आउटपुट क्या है, शो मी आउटपुट क्या है, ऐसे ही नहीं कि बस मैंने प्लान करके रखा, अच्छा ये करेंगे, रिजल्ट दिखाओ, आउटपुट क्या है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एम्स टू अचीव सर्टन आउटकम्स एंड रिजल्ट्स फॉर विच इट सेट्स आउट क्लियर कट नॉर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो बहुत क्लियर उसने अपने लिख के रखे गोल्स कि ऐसा 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 होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा हमें रिजल्ट आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो चेंज करो, क्या है पॉलिसी। ये चीज को हम कहते हैं आउटपुट ओरिएंटेड। तो हमारी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, आउटपुट ओरिएंटेड है। दीज आर यूजली क्वान्टिटेटिव नॉर्म्स, क्वान्टिटेटिव का मतलब ही होता है जिसे हम काउंट कर सके, क्वान्टिटी में मेजर कर सके कि इज देयर अ चेंज और नॉट, 10% 20% change or any way figuratively. So numbers mein. If change
इफ चेंज ओरिएंटेशन इज वन ऑफ द गोल्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन देन टू मेक इट हैपन सर्टन टारगेट्स नीड टू बी सेट। तो अगर चेंज ओरिएंटेशन रखना है तो कुछ टारगेट सेट करने पड़ेंगे। इसका मतलब वो कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट होने के लिए सेकेंड पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चेंज ओरिएंटेशन तभी पॉसिबल है जब आप कोई टारगेट सेट करोगे। टारगेट सेट करना मतलब आउटपुट ओरिएंटेड। This enables the administrative units to produce the desired output. The focus on targets pushes the administration to produce desired results. तो इससे क्या होता है, पूरा हमारा टारगेट ओरिएंटेड हम वर्क करने लग जाते हैं और उसी डायरेक्शन में हम काम करते हैं। For instance, when government sets a target that the economy of the country has to grow at the rate of 8 to 10% per annum, it is trying to set some reasonable, feasible goals to be achieved. तो आपको अगर पता ही होगा, recently हमारा economic India fifth largest economy बन चुकी है और बहुत ही जल्द हम like top three, top two में आ जाएंगे, ऐसा हमारे prime minister ने बोला भी था। So if you know this, तो ये ऐसे ही नहीं बोला हुआ, उनके दिमाग में एक target है, उन्होंने एक number पहले से देखा और जो achieve कर लिया, fifth largest पे पहुंच गए हम लोग, तो उन्होंने एक दिमाग में टारगेट रखा था तब जाके वो वहां पे पहुंचे हैं और अब वो बहुत क्लियरली उन्होंने कमिट किया है कि हम आने वाले सालों में टॉप टू में आ जाएंगे, टॉप थ्री में आ जाएंगे, राइट। तो ये चीज ऐसे ही हवा में बोलने वाली बात नहीं है, ये उन्होंने टारगेट बेस्ड बात की है कि हम कैसे इसमें चेंजेस आ रहे हैं। सो दैट इज ओरिएंटेड, कौन सा ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, आउटपुट ओरिएंटेड। सिटीजन पार्टिसिपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं स्टार्टिंग से आपको कह रहा हूं कि अगर लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो पॉलिसीज फेल हो जाएगी। एक सिंपल सा एग्जांपल दें, हम सबको पता है, हम सबने पार्टिसिपेट किया था उस चीज में, अदर देन कोविड टाइम्स को अगर हम हटा दें उसके पहले की, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान बहुत ही सिंपल सी चीज, बहुत ही सिंपल सा चीज जो गांधी जी ने कहा था यार, गांधी जी ने बोला था कि यार क्लीनिनेस, हाइजीनिक, यार ये क्लीन रहो करके, वो चीज हमको एक पॉलिसी के तहत हमने अपनाई और उसका इतना ज्यादा हमने उसको वायरल किया, उसके तहत हमने प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाकर हमने नोट्स पे भी उसको हर जगह पे लिखा रहता है स्वच्छ भारत, हमने हर जगह उसको जब पॉपुलराइज किया, लोगों ने जब उसमें फिर पार्टिसिपेट किया, तब जाके वो सक्सेस रहा स्वच्छ भारत अभियान, तब जाके सक्सेस रहा, पूरी दुनिया उसके बारे में बात कर रही थी। सो दैट इज सिटीजन पार्टिसिपेशन, और वो पार्टिसिपेशन तभी मुमकिन है जब अवेयरनेस होती है। सो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि गवर्नमेंट आज की तारीख में बहुत ज्यादा करती है, क्योंकि सोशल मीडिया, सोशल हैंडल्स पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है आजकल गवर्नमेंट, गिवन द चेंज सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड। Citizen participation, development being a process of social and economic change, it is important that people participate actively in it. If the process of development is cut off from the grassroots, then it eventually fails to materialize the objectives it has set. This necessitates people's participation in the process of planning, implementation and its eventual evaluation. So, ab keh raha hai ki agar grassroot level, yani ki hum citizen, we are the last person, right, in the chain. तो हम तक, हमको ही अगर हटा दोगे तो पॉलिसी ऊपर सक्सेस नहीं होगी। इसलिए ग्रास रूट लेवल पे कनेक्ट होना, यानी हमसे कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, सिटीजन्स का होना बहुत जरूरी है, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके इंप्लीमेंट, प्लानिंग, इवैल्यूएशन भी कर सकेंगे कि क्या सच में सक्सेस मिला कि नहीं मिला। In a diverse society like India, people's participation is necessary. In India, the needs, requirements, and choices of people may vary vastly according to regions. Indian government has introduced community development program in 1952. So, ab हमारे इंडिया में, सिंस इट इज अ डाइवर्स सोसाइटी, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग हैं, इतने वेरियस डाइवर्स लोग हैं, हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पार्टिसिपेशन नेसेसरी हो जाता है एंड बहुत ही मुश्किल भी है लाना, तो बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट को वर्क करना पड़ता है रिगार्डिंग दैट। तो गवर्नमेंट ने 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, जिसके बारे में आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, सो आप भी खुद थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। फॉलोड बाय नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज भी अगेन एग्रीकल्चर रिलेटेड, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा। नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज 1953 में गवर्नमेंट ने निकाला था, ये सोच के गवर्नमेंट ने जो फार्मिंग रिलेटेड, जो अलग अलग टेक्नोलॉजी वाइज फार्मिंग में जो नई चीजें की थी,
वो दूसरे फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए उन्होंने प्रोग्राम्स अरेंज किए थे। फार्मर्स को वहां पे बुलाया जाता था, फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी, फार्मर्स को बेटर वे बताया जाता था कैसे वो अपनी फार्मिंग बेटर कर सके। तो ये सारी चीजें करना, ये सारे प्रोग्राम के अंदर था, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज के अंदर, जिसमें एक्सपर्ट्स लोगों ने फार्मिंग को फार्मर्स को सिखाया था और बेटर करना सिखाया था यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड वेरियस रिफॉर्म्स। द फोकस वॉज टू प्रमोट डेवलपमेंट इन द रूरल एंड रिमोट एरियाज। द एक्सपीरियंस ऑफ दिस प्रोग्राम हेल्प द गवर्नमेंट टू फोकस ऑन रूरल इंडिया। ऑफकोर्स फार्मिंग हमारा रूरल एरिया में पूरा होता है, तो वो पूरा फोकस रूरल इंडिया पे था। द पर्पस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द रूरल एंड अर्बन पीपल वॉज सॉट थ्रू द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो हर चीज को लॉ के तहत पास की जाती है, एक्ट अमेंडमेंट एक्ट, चेंज अमेंडमेंट यानी कि वो चेंज, उसके अंदर चेंज लाते लाते, रूल लाते लाते, लॉ बनाते बनाते किया जाता है। तो उन्होंने बताया कि ये सारा 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था। उसके बारे में छोटा सा यहाँ पे बताया हुआ है, लेट्स रीड दैट। द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 92 गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो अब इसमें क्या चेंज आया? तो इसके पहले पंचायती राज, आपको पता होगा, पंचायती राज जो हमारे रूरल लेवल पे जो पंचायत होती है, सिस्टम जो होती है, उसका जो इंस्टीट्यूशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। उसके पहले इसका मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, उसके पास कोई राइट्स नहीं थे। अब उसके पास राइट्स है, उसके पास पावर है टू कंट्रोल थिंग्स एट दैट लेवल। तो ये ग्रास रूट पे जा रहे हैं ना, तो ग्रास रूट लेवल पे जा रहे हैं और वहां पर उनको पावर दे रहे हैं ताकि वो अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपने गांव में, अपने जिला में कंट्रोल ला सके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस कर सके और बेटर बेटर चीजें कर सके। दैट इज अ सिग्निफिकेंट लैंडमार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। द 74th अमेंडमेंट एक्ट गेव ए कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू म्युनिसिपालिटीज, और रूरल के लिए पंचायती राज 73rd, और अर्बन एरियाज के लिए म्युनिसिपालिटीज, दैट इज द 74th अमेंडमेंट। सो द एक्ट एम्स टू स्ट्रेंथनिंग द अर्बन गवर्नमेंट सो दे फंक्शन इफेक्टिवली। तो सेम चीज हो गई, मैंने आपको जो बताई। फोर्थ पॉइंट है जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एम है, पब्लिक कमिटमेंट। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स अ फर्म कमिटमेंट, अ सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड कंसर्न ऑन द पार्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स और द ब्यूरोक्रेसी। तो आईएएस ऑफिसर्स और ये सारे जितने आगे गवर्नमेंट सर्वेंट्स जितने हो गए, सिविल सर्वेंट, सारे के सारे के अंदर पैशन होना चाहिए टू एक्चुअली डू समथिंग अबाउट द पब्लिक, दैट इज पब्लिक कमिटमेंट फ्रॉम देयर साइड। द प्रोसेस एंड पाथ ऑफ डेवलपमेंट इज फिल्ड विद चैलेंजेस एंड दैट कैन क्रिएट हर्डल्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स। देयरफॉर द ब्यूरोक्रेसी नीड्स टू हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कमिटमेंट, स्पिरिट टू वर्क फॉर नेशनल ग्रोथ टू अचीव द डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो वो जो एक हम कहते हैं ना, अच्छा आईएएस ऑफिसर क्षेत्र में आ जाता है, जब अच्छा कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हमारे एरिया में आता तो एरिया डेवलप हो जाता है। वाई हम क्यों हम एरिया डेवलपमेंट का क्रेडिट आईएएस ऑफिसर्स को देते? क्योंकि वो ऐसे लोग हमें चाहिए जो ग्रास रूट लेवल पे कम्युनिटी से कनेक्ट होकर एक्चुअल में कोई चेंजेस ला सके, क्योंकि उतने पैशनेट होने चाहिए कि वो नेशन बिल्ड में, नेशन ग्रोथ में हेल्प करें। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, अब हम सिर्फ थोड़ा सा अब तक इंडिया को लेके ही बात करते, फिर भी हम थोड़ा सा उसको हम और फोकस्ड अप करके बात करते। लेट्स सी, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज चेंज ओरिएंटेड। दिस अगेन ये पूरा एक समरी हो गया, अब जो इतना पढ़ेंगे हम समरी है अब तक जो हमने पढ़ा उसका। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज चेंज ओरिएंटेड, हम चेंज ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड हम चाहते हैं चीजें। इट इज एंटी स्टेटस को, तो हमने ऊपर देखा था ट्रेडिशनल वाला स्टेटस को रखता है कि जैसी चीजें वैसा होने दो, जो हालात है वैसे में वैसे ही देखेंगे हम, वैसी चेंजेस नहीं लाते रहेंगे पॉलिसी बार बार। नहीं, ये एंटी स्टेटस को है डेवलपमेंट, यानी कि नहीं कुछ काम कर रहा है चेंज करो, ये काम नहीं कर रही पॉलिसी चेंज कर दो पॉलिसी को। तो ये जो चीज है, ये चीज बहुत जरूरी है। एवरी डेवलपमेंट फंक्शन हैज अ गोल टू बी अचीव। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज द गोल टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट इंक्लूड्स राइज इन पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड रिडक्शन इन पुअर्टी रेट्स एक्सेट्रा। फॉर दीज गोल्स टू बी अचीव, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड। प्लानिंग एड्स इन डिसाइडिंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द अचीविंग द गोल एंड ऑल्सो सेट्स टारगेट टू अचीव देम इन अ टाइम बाउंड मैनर। तो ओवरऑल एक मस्त स्टोरी चल रही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हम कहते हैं तो उसका गोल क्या होना चाहिए कि क्वालिटी लाइफ इंप्रूव करो, इट लिटरेसी रेट बढ़ाओ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाओ, पुअर्टी रेट्स हटाओ, ये सारा चीज गोल में होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग
और रिसोर्स का अच्छा यूज, पूरी तरह से अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन, उसके लिए क्या होना चाहिए? तो प्रॉपर अगर प्लानिंग होगी तो ही रिसोर्स इंप्लीमेंटेशन यूटिलाइजेशन पूरा होगा, राइट? तो ये उन्होंने एक पूरा स्टोरी में बताया। इंडियाज जर्नी बिगेन एज अ न्यूली इंडिपेंडेंट पुअर एंड अंडर डेवलप्ड नेशन। और हमारी जर्नी, जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी तो हम बहुत ही पुअर और अंडर डेवलप्ड नेशन, लेकिन अब हम डेवलप्ड नेशन और बहुत ही अच्छे वे में आते हैं, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में आते हैं, राइट? सो आर मेन गोल वॉज टू रीगेन पास्ट ग्लोरी एंड प्रोस्पेरिटी। तो अपना सबसे पहला गोल तो हम नेगेटिव में, हम लोग नेगेटिव से पहले 0 मार्क, 0 मार्क के बाद पॉजिटिव में जाएंगे। तो ये लॉजिक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज स्ट्रगलिंग टू राइज फ्रॉम द इल इफेक्ट्स ऑफ ब्रूटल कोलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। और हमारे पे जो ब्रिटिश ने कोलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किया था, जो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, हिस्ट्री के चैप्टर्स में भी देखेंगे, हम 12th हिस्ट्री भी कवर अप करेंगे तब, तो ये सारी चीजें हम पे बहुत गहरा असर छोड़ के गई थी, जिससे हमें उभरना। इंडिया नीडेड टू टेक सम इम्पोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द डेवलपमेंट मॉडल दैट वी एज अ नेशन वुड लाइक टू फॉलो। और इसीलिए हमने एक प्रॉपर चेंजेस लाना स्टार्ट किया, डेवलपमेंट गोल्स को दिमाग में रखते हुए। इंडियाज गोल ऑफ डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस हैज बीन एज फॉलोस। तो क्या गोल्स रहे पहले? तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करो। द मेन फंक्शन वॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन, द मेन फोकस वॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करो, नॉट जस्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्राइमरी सोर्स तो है हमारा, लेकिन सिर्फ उस पर फोकस मत करो। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री, स्टील, कोल माइन, ये सब कुछ लाओ और उस पे फोकस करो। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट ऑल्सो इंक्रीज द क्वांटम ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। दिस वुड मॉडर्नाइज द इकोनॉमी एंड इंक्रीज द नेशनल इनकम। बहुत ही सिंपल सी बात है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमें क्या हेल्प होगा। लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स लाना बहुत जरूरी था। पहले जमींदारी सिस्टम जो चल रही थी हमारे यहाँ पे, बहुत ही बुरी तरह से फार्मर्स उसमें फंसे हुए थे, बहुत सारे लोग उसमें फंसे हुए थे जमींदारी सिस्टम, तो उसको हटाकर लैंड रिफॉर्म्स हमने लाए थे, जिससे जमींदारी सिस्टम हटा दी गई थी और गवर्नमेंट ने लैंड एलोकेट की थी। जो लैंडलेस फार्मर्स थे, जो लैंडलेस लोग थे जो फार्मिंग करते थे, उनको लैंड्स बांट दी थी। ये सारे चीज किया था लैंड रिफॉर्म्स के अंदर। व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट द ओनरशिप ऑफ एग्रीकल्चर लैंड वाज मेनली कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू लैंड ओनर्स। तो जमींदारी सिस्टम की बात चल रही है। टू सॉल्व दिस इश्यू लैंड रिफॉर्म्स वेर इनिशिएटेड। और उसको सॉल्व करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स आए थे, जिसमें जमींदारी सिस्टम को हटा दिया। एग्रीकल्चर, दिस देयर वॉज अ फोकस ऑन द यूज ऑफ हाई यील्डिंग सीड्स, हाइब्रिड सीड्स, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमने किया था, दैट वॉज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ 5 ईयर प्लानिंग कमीशन, जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, जिसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर हमने टेक्नोलॉजी वाइज यूज करके बेटर बूम कर दिया था, हाई यील्डिंग क्रॉप्स लाए थे। दिस वुड हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ रिलेटिवली बैकवर्ड रीजन एंड रिड्यूस रूरल पॉवर्टी। ये सारे दिमाग में गोल्स थे ये करने के लिए। ये हम पास्ट का पढ़ रहे कि ये क्या दिमाग में था, हम क्या करना चाहते थे, जो हमने अचीव कर लिया है तभी के टाइम। सेल्फ रिलायंस, ये अभी भी हमारा गोल है, और इसीलिए मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया कंसेप्ट, दैट इज सेल्फ रिलायंस, क्योंकि हम चाहते हैं सब कुछ यहां से हो, हमें बाहर पे डिपेंड नहीं होना है कि यार मेरे को अगर कोई सामान चाहिए वो मैं बाहर वाले पे डिपेंड कर रहा हूँ, वहां से रॉ मटेरियल आएगा या वहां से वो सामान बन के आएगा। नो, मेक इन इंडिया जो कंसेप्ट है वो सेल्फ रिलायंस के गोल के ऊपर बेस्ड। इंडिया हैड बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम कॉलोनियल रूल, देयरफॉर इट वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन आल्सो। तो जो हम जो डिपेंड होते लोगों पे रिसोर्स के लिए या कोई भी मटेरियल के लिए, जैसे पहले सारी चीजें मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना होती, लेकिन नहीं, आज अब अगर आप देखोगे बहुत सारी चीजें अब हम ओन मेड इन इंडिया वाली चीजें ही यूज करते हैं। सो ये चीज सेल्फ रिलायंस इसे कहते हैं, खुद ही पे डिपेंड, दूसरों पे नहीं, सेल्फ रिलायंस। इंडिया एक्सेप्टेड फॉरेन एड फॉर इट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बट इट डिड नॉट वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कैपिटल। हमने हेल्प जरूर ली थी इनिशियली, लेकिन हमें उनके कैपिटल पे डिपेंड होना नहीं था। सोशलिस्ट पैटर्न विद सोशल जस्टिस, द कंसेप्ट ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। नाउ कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, ये दो चीज होती है ब्रॉड माइंड की, अगर ब्रॉड वे में अगर बात करें। कैपिटलिस्ट पहले से फोकस था मनी मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग पे, और सोशलिस्ट उसको ऑपोजिट वे में बोलता था कि वर्कर्स का ध्यान रखना है, वर्कर्स को वर्कर्स के बारे में भी सोचना है, वर्कर्स को अपना हक दिलाना है, सो ऑन। सो सोशलिस्ट नेशंस थे और कैपिटलिस्ट नेशन थे। फॉर एग्जाम्पल यूएसए कैपिटलिस्ट था, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी सोशलिस्ट ही हो जाते हैं। तो ये दो मेन आपस में आइडियाज तब
टकराते थे। हालांकि अभी बहुत जगह में मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारे यहाँ पे भी मिक्स्ड चीज है, और क्योंकि कैपिटलिज्म में भी हमने चेंजेस लाए, अब हमारे पास रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट रिफॉर्म्स और लॉज इतने स्ट्रांग है कि कैपिटलिस्ट वाले भी एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं वर्कर्स को। पहले ये होता था, बहुत ज्यादा होते आया इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो ये खाली हम कंसेप्ट पढ़ रहे जो पहले थे और उससे रिलेटेड थोड़ी सी हम जो पहले प्रॉब्लम फेस करते थे वो। ओके, सो लेट्स जस्ट रीड इट आउट। द कंसेप्ट ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। द पर्पज वॉज द मिटिगेशन ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो ऐसा माना जाता था देर इज अ वेल्थ इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वर्कर्स को 14+ आवर्स काम कराकर मिनिमम वेज दिए जा रहा है और बिजनेस ओनर्स मैक्सिमम प्रॉफिट कमाकर वेल्थी लाइफ जी रहे। तो ये सिस्टम को हटाने के लिए आया था सोशलिस्ट आइडिया, कार्ल मार्क्स की जो आइडिया थी सारी। द स्टेट वुड टेक द लीड इन प्रोवाइडिंग वेरियस वेलफेयर सर्विसेज टू द पब्लिक, प्लानिंग वॉज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। तो अब स्टेट आ चुका है, अब हमारा, आई होप अब जब मैं स्टेट कहता हूँ तो आपको स्टेट का मीनिंग पता है, हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है बहुत ही क्लियरली स्टेट मीन्स पॉलिटिकली क्या होता है। तो अब स्टेट का रोल आ चुका है टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड पब्लिक को बेसिक चीजें प्रोवाइड करना, उसका ध्यान रखना। प्लानिंग वॉज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है प्लानिंग करना। प्लानिंग कमीशन, इंडिया क्रिएटेड प्लानिंग कमीशन हुज गोल वॉज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द ऑफ द पीपल बाय एफिशियंट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस ऑफ द कम्युनिटी। तो मैंने जैसे कहा कि हमने 5 ईयर सर्विस प्लानिंग सिस्टम बनाया था, तो ये प्लानिंग कमीशन 5 ईयर्स प्लान सिस्टम लेके आया था, जो बाद में जाके नीति आयोग ने उसको ओवरटेक कर लिया, और 2014 से नीति आयोग ये सारा चीज अब ध्यान रखती है। ओके, सो 5 ईयर प्लानिंग कमीशन ने यही काम किया था कि लोगों को प्रोवाइड करना, और वो 5 ईयर्स गोल सेट करती, इकोनॉमिक गोल सेट करती थी। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आपको ये मतलब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आपने अगर पढ़ा है, आपको ध्यान में है, तो आपको ये पता होगा कि 5 ईयर प्लानिंग कमीशन क्या था। नीति आयोग, तो इसकी हम कब से जो बात कर रहे हैं, लेट्स रीड अबाउट दैट इन अ लिटिल बिट डिटेल। द प्लानिंग कमीशन वॉज डेवलप एज एन अपेक्स प्लानिंग बॉडी। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो अडोप्टेड द टूल ऑफ 5 ईयर प्लानिंग विच आइडेंटिफाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। द 5 ईयर प्लानिंग हैव फोकस्ड ऑन वेरियस इश्यूज इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इरीगेशन, पावर प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिमूवल ऑफ पुअर्टी, फूड प्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, सोशल सिक्योरिटी एटसेट्रा। तो ये अलग अलग उसके गोल्स थे, ये अलग अलग उसके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स थे 5 ईयर प्लानिंग, और हम 5 ईयर्स में उसको इवेल्युएट करते थे कि कितना हमने अचीव किया कितना नहीं किया। बहुत सारी चीजें नेक्स्ट 5 ईयर्स पे ट्रांसफर होती गई, यानी कंप्लीट नहीं होते थे गोल्स हमारे, ऐसा होता था, इसीलिए बाद में हमने वो चेंज ही कर दिया। In 1990s, India adopted new economic policy that focused on economic liberalization. 1990s में liberalization हुआ था, जिसमें हमने इन शॉर्ट बाहर वालों को एक मौका दे दिया प्राइवेटाइजेशन करने का और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करने का, और अब पब्लिक सेक्टर पूरा नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी आ चुका था, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो। तो दैट इज लिबरलाइजेशन आइडिया। इन दिस न्यू सेटअप देयर वाज अ नीड टू चेंज द अप्रोच ऑफ प्लानिंग, सिंस अब पहले तो इकोनॉमी पब्लिक सेक्टर बेस्ड थी, लिबरलाइज्ड नहीं थी, लेकिन अब लिबरलाइजेशन हो गया, इसका मतलब जो हमने पहले प्लानिंग के लिए कमिटी बनाई थी उसमें भी तो चेंजेस आना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई इन 2014 द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, जो हमने ऊपर देखा नीति आयोग। आयोग इंडिया मूव्ड अवे फ्रॉम सेंट्रलाइज प्लानिंग टू डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। तो पहले क्या होता था, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती, सेंट्रलाइज प्लानिंग यानी सेंटर प्लान किया उसके थ्रू नीचे जा रहा है, अलग अलग स्टेट में, फिर डिस्ट्रिक्ट्स में, फिर सिटीज में, और फिर लोगों तक। लेकिन डिसेंट्रलाइज प्लानिंग क्या होगी, अपने अपना डिवाइड करके उस ग्रास रूट लेवल पे प्लान करो और फिर ऊपर हम उसको फॉलो करेंगे। सो दैट इज ऑपोजिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज प्लान। द नीति आयोग प्रपोजेस ग्रास रूट लेवल प्लानिंग, वेयर इन द प्लानिंग शुड बी बिल्ट राइट फ्रॉम द विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड दिस शुड बी हार्मोनाइज विद द प्लानिंग टू द स्टेट लेवल। तो पहले रिवर्स जाता था, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, पीपल, लेकिन अभी उल्टा है, जो कि बेटर है, पीपल, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, सेंटर। नेशनल प्लानिंग शुड बी
कंसोलिडेटेड ऑफ स्टेट लेवल प्लान्स अलोंग विद द प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर स्टेट लेवल तक आने के बाद नेशनल लेवल की प्लानिंग लिंक होनी चाहिए. दिस सर्विस रिक्वायरमेंट्स फॉर द कंट्री एज अ होल वर्क आउट एट द यूनियन लेवल, जिससे ये पूरा फिर हम यूनियन लेवल पे आ जाएंगे. तो ये पूरा अप्रोच है डिसेंट्रलाइजेशन. डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कौन से प्रोग्राम्स उसने हमने किए हुए हैं. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वेज टू इंप्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज टू प्रिपेयर स्पेसिफिक प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एम्ड एट डेवलपमेंट. हियर आर फ्यू एग्जांपल्स. तो 1952 में हमने जैसे ऊपर देखा था सीडीपी, दैट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, किए थे टू प्रमोट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन. फिर 66-67 में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया था टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. फिर 1975 में हमने सीएडीपी, दैट इज कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑफ इरीगेशन कैपेसिटीज, यानी इरीगेशन फैसिलिटीज को और बेटर करने के लिए हमने किया था. फिर 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम फॉर पुअर्टी इरेडिकेशन एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. फिर 80 में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल पुअर पीपल. फिर जवाहर रोजगार योजना टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट टू रूरल अनएम्प्लॉयड. मिड डे मील स्कीम, ये आपने सुना होगा मेरे ख्याल से, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील दी जाता है, मिड डे मील मिलता है, फ्री में खाना मिलता है, जिससे तहत हम चाहते थे लोगों को स्कूल भेजे, क्योंकि लोग पहले बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, तो स्कूल भेजे ताकि खाना मिले. तो मिड डे मील स्कीम उन्होंने चालू की थी उस तहत. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके तहत हमने सारे विलेजेस पे पक्के रोड पूरे बनाने का, पूरा कनेक्ट करने का पूरा प्लान किया था, जो कंप्लीट हो चुका है. जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन टू इम्प्रूव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इट इज इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर दैट एम्स टू गारंटी द राइट टू वर्क. तो ये भी एक पॉलिसी है, प्रोग्राम है. आधार, तो ये भी आप जानते हैं, आधार कार्ड हमने जो बनाया, सबका आधार कार्ड होता है, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक ही जगह पे सारी चीजें अवेलेबल जो हमारी होती है बायोमेट्रिक वाइज, सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस. एक कॉमन रेसिडेंशियल कार्ड है हमारा, जो 2009 में हमने किया था. फिर 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज टू ऑल हाउस होल्ड इन द कंट्री. तो सबको, सबका बैंक अकाउंट होना चाहिए, अगर आपको याद होगा तो प्रधानमंत्री ने, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सबका बैंक अकाउंट खोलने का, ये नो फ्री अकाउंट्स एंड इजीली अवेलेबल कराने का ये किया था. 2014 में ही स्वच्छ भारत, ये हमने ऊपर भी बात की, मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू फुलफिल महात्मा गांधी ड्रीम ऑफ क्लीन हाइजीनिक. एंड 2017 में उड़ान स्कीम, द मेन ऑब्जेक्टिव इज इनकरेजिंग गर्ल्स फॉर हायर टेक्निकल एजुकेशन, एम्स टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म दैट एम्पावर्स गर्ल्स स्टूडेंट्स, प्रोवाइड्स देम बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज. तो ये कुछ प्रोग्राम्स बहुत ही क्लियर उन्होंने बताए जो हुए हैं. दीज प्रोग्राम्स हैव ट्राइड टू प्रोवाइड हेल्प टू सोशली इकोनॉमिक मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन. दीज प्रोग्राम्स कैन सक्सीड ओनली विद द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ ब्यूरोक्रेसी एंड सिटीजन. तो ब्यूरोक्रेसी यानी वो लोग जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं पूरे लोग, और हम लोग सिटीजन. टूडे द सिटीजन हैव बिकम मोर एक्टिव इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस. वन ऑफ द रीजन ऑफ दिस एक्टिव पार्टिसिपेशन इज द इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ द पीपल ड्यू टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन. जैसे कि मैंने कहा, सोशल मीडिया की वजह से आजकल हम बहुत ज्यादा अवेयर है इस चीजों के बारे में, और हम पार्टिसिपेट भी करते हैं, विच इज अ गुड थिंग, और हमें करते रहना चाहिए. एंड जितना हो सके खुद, जितने यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स, उसके बारे में आप रिसर्च करें. आई वुड लाइक टू सजेस्ट चैट जीपीटी, अगर आप यूज नहीं करते तो चैट जीपीटी यूज करें. सिंपल सा अपना क्वेश्चन वहां पे डालिए, आई वांट टू नो अबाउट नीति आयोग, आई वांट टू नो अबाउट सर्विस कमीशन, आई वांट टू नो अबाउट यूपीएससी, आई वांट टू नो अबाउट कुछ भी अगर आपको जानना है. बहुत ही प्यारा टूल है, एआई टूल है यूज करने के लिए. सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया, आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा. लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइस. कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग. थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर.